रिसेप्टर्स के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है ट्रांसड्यूसर्स, ये भी आपने याद रखना। अब रिसेप्टर जो होगा वो क्या हो सकता है? रिसेप्टर रिसेप्टर कोई एक जो है वो ऑर्गन हो सकता है, रिसेप्टर कोई एक सेल भी हो सकता है, रिसेप्टर कोई एक नर्व एंडिंग हो सकती है। तीन तरह के रिसेप्टर हो सकते हैं। तो ये भी एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्गन भी हो सकता है, कोई सेल भी हो सकता है, या कोई एक नर्व एंडिंग भी हो सकती है। रिसेप्टर्स की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, आपको टाइप्स का पता होना चाहिए। देखिए जैसे कि अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो रिसेप्टर्स में फोटो रिसेप्टर्स हैं, जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि ये किसको डिटेक्ट करेंगे, ये लाइट को डिटेक्ट करेंगे। अगर ये लाइट को डिटेक्ट करेंगे तो फिर इनकी प्रेजेंस कहाँ पर होगी? तो ये रॉड्स और कॉन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये रॉड्स और कॉन सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं? दीज आर प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ आई। तो अब ये दो तीन तरह से सवाल पेपर में आ सकता है, तो आपके बता देंगे कि ये रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट हैं, लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है, और वो फर्दर उनकी सब टाइप्स क्या होती है। दूसरी तरह के रिसेप्टर्स जो क्वेश्चन आ सकता है वो है मकैनो रिसेप्टर्स। मकैनो रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और ये क्या काम करते हैं? मकैनो रिसेप्टर्स होते हैं वो, एक तो इनका काम जो होता है वो डिटेक्ट करना, टच को डिटेक्ट करना होता है इसके लिए, फिर प्रेशर के लिए, चेंज इन प्रेशर अगर हो रहा है, या पोजीशन के लिए ये रिसेप्टर होते हैं, या हेयरिंग के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए। तो इसमें से कोई पार्ट भी आ सकता है कि ये रिसेप्टर कहाँ कहाँ कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, या आप कह सकते हैं स्ट्रेच के लिए। इनकी अगर आगे हमने डिफरेंट टाइप्स जो है वो डिस्कस करनी है और जो कि स्किन से रिलेटेड है, हम आगे डिटेल में इस पे जो है वो बात करेंगे। अब ये रिसेप्टर जो है इनकी लोकेशन हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पर हो सकती है? देखिए जैसे मैंने आपको बताया स्किन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा ये ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ये इनकी लोकेशन है। और इनकी आगे टाइप्स क्या है वो मैंने डिटेल में आपको आगे बतानी है कि इसमें मिजनस कॉर्पसल्स भी हैं, इसमें पसीनियल कॉर्पसल्स भी हैं, इसमें बैरो रिसेप्टर्स भी हैं, इसमें मर्कल्स डिस्क भी हैं, इसमें रूफनीज कॉर्पसल्स भी हैं, इसके अंदर जो है आपको क्रॉस एंड बल्ब्स या बल्बॉइड कॉर्पसल्स हैं। इनके आगे काफी सारी टाइप्स हैं, वो डिटेल में हम इसी के लेक्चर के एंड पर जो है वो बात करेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो मकैनो रिसेप्टर आ गए। तीसरी तरह के रिसेप्टर्स पे हम बात करेंगे और वो है कीमो रिसेप्टर्स। जैसा कि यहाँ इसके नाम से पता चल रहा है, कीमो रिसेप्टर जो है ये केमिकल्स के लिए होते हैं। अब केमिकल्स में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? जैसा कि स्मेल के लिए होते हैं, और स्मेल के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका एक नाम यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द ऑल्फेक्शन। ये सवाल आ सकते हैं, ऑल्फेक्शन। फिर इसके अलावा ये टेस्ट के लिए होते हैं, और ये जो टेस्ट के लिए अगर रिसेप्टर्स हैं तो पूछा जाएंगे कौन से रिसेप्टर है, तो एक वर्ड यूज होते हैं गैस्ट्रेशन, ये टेस्ट के लिए। इसी तरह से आपको ये स्मेल के लिए भी मिल गए, टेस्ट के लिए मिल गए, डिफरेंट आइंस के लिए, डिफरेंट जो है वो मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके अलावा ब्लड प्रेशर जो होता है उसके लिए भी ये, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी ये प्रेजेंट होते हैं। और स्पेसिफिकली जो ब्लड प्रेशर है उसके लिए जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम ऑस्मो रिसेप्टर्स कहते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसके अंदर जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो, अब इनकी प्रेजेंस जो है वो कहाँ कहाँ पर होते हैं हमारे कीमो रिसेप्टर्स? देखिए कीमो रिसेप्टर्स की प्रेजेंस में ये नेसल एपिथीलियम के अंदर होते हैं, जैसे मैंने आपको ऑल्फेक्शन से रिलेटेड बताया। फिर कीमो रिसेप्टर्स आपके टंग के अंदर है, ये भी कीमो रिसेप्टर जो कि मैंने गेस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको बताया। दूसरा, इसके अलावा जो मैंने ऑस्मो रिसेप्टर्स की बात की है, ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हाइपोथैलेमस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन, या आप कह सकते हैं कि फोर ब्रेन वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं नंबर फोर पे, उसमें हमारे पास जो है वो है नॉसिसेप्टर। एक वर्ड यूज होता है नॉसिसेप्टर। नॉसिसेप्टर ये पेन के लिए, ये आपने याद रखना है। और स्पेसिफिकली ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? ये हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, याद रखना है। इसी तरह से स्किन के साथ साथ ये जॉइंट्स के अंदर भी हो सकते हैं, और ये इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर हो सकते हैं। उसके बाद नंबर फिफ्थ पे हम आ जाएं, तो नंबर फाइव जो है वो है थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर में हीट भी हो सकती है, वार्म सिग्नल भी हो सकता है, और कोल्ड भी हो सकता है, दोनों चीजें आपने यहाँ पर याद रखनी है।
या उन्होंने टेम्परेचर की बात की, और इनकी प्रेजेंस कहाँ पर होती है, ये हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं और ये भी हाइपोथैलामस में प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आपने शुरू में जो अगर तो पढ़ लिया आप लोगों ने होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर, तो उसके अंदर आपने देखा कि थर्मो रेगुलेशन के अंदर हाइपोथैलेमस का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो वहां जो है वो थर्मो रिसेप्टर्स हैं जिसकी वजह से हम टेम्परेचर जो है वो उसको रेगुलेट कर सकते हैं। अब ये तो हमारे पास आ गए जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स थे। अच्छा, अब यहाँ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि स्पेशली जो स्किन होती है, स्किन के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसेप्टर्स है वो कौन कौन से। एक तो सिंपली हमने यहाँ पर ये देख लिया कि मुख्तलिफ रिसेप्टर जो है उसका फंक्शन है वो डिफरेंट होता है, लेकिन स्किन के अंदर रिसेप्टर्स कौन से हैं। तो यहाँ मैं एक जो है डायग्राम आपको दिखाता हूँ और फिर वहां से हम जो है वो कुछ टाइप्स आपको एक तो पता चल जाए कि वो एक्चुअली रिसेप्टर्स हैं वो होते कहाँ पर हैं और लगते किस तरह के हैं, और फिर हम उस पर जो है वो ताकि फर्दर बात भी कर लें कि रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं। अच्छा, ये एक डायग्राम है जो कि स्किन से ली है, उसका एक क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ मैं आपको इनकी बकायदा लोकेशन बताता हूँ, मैं इनकी आपको टाइप्स जो है वो लिख देता हूँ। अच्छा, ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये स्किन का पार्ट है। अब इसमें यहाँ मैं लेबलिंग कर दूं कि ये जो आपको ऊपर वाला पार्ट नजर आ रहा है यहां से लेके यहां तक का, ये जो मेंशन किया हुआ जी, अभी मैं इसी पे आ रहा हूं, ये पार्ट जो है ये डर्मस का पार्ट है, और उसमें डर्मस में मैं लिखूंगा एपिडर्मस अपर पार्ट है, और उसके बाद जो लोअर पार्ट आपको नजर आ रहा है ये यहां से लेके यहां तक, ये पार्ट डर्मस का पार्ट है। अब आपने एक तो ये देखना है कि कौन से रिसेप्टर जो होते हैं वो एपिडर्मस की तरफ है या उसके अंदर है, या कौन कौन से जो है वो डर्मस के अंदर है। तो अगर मैं बड़ा क्लियरली यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लूँ और यहाँ एक मैं लाइन लगा दूँ कि ये आपको कुछ रिसेप्टर्स ऐसे हैं जो कि डर्मस में मिल रहे हैं और कुछ एपिडर्मस के अंदर मिल रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप्स लिखे हुए हैं। अब डर्मस के अंदर कौन कौन से हैं और एपिडर्मस में कौन से हैं, ऊपर जो आपको मैं कार्पिसल यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबसे पहला ये वाला, दिस कार्पिसल इज द मिजनर्स कॉर्पस, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, ये एपिडर्मस के अंदर है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि ये बॉर्डर पे है डर्मोस और एपिडर्मस के, लेकिन इसका पार्ट एपिडर्मस के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसमें ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है सेकेंड जो कि एपिडर्मस के अंदर है, इसको हम कहते हैं मर्कल्स डिस्क, मर्कल्स डिस्क, या मैं कह सकता हूं कि देयर आर फ्री नर्व एंडिंग्स, ये फ्री नर्व एंडिंग है, ये सारे स्किन के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। अब स्पेशल हम जो बात कर रहे हैं वो स्किन की बात कर रहे हैं, याद रखना है। उसके बाद हम डर्मस में आ जाएंगे, डर्मस में कौन कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। अब देखिए जो सबसे डीप रिसेप्टर यहाँ मिल रहा है, ये सवाल भी आ सकता है, ये वाला, ये पसीनियम कॉर्पस, ये सबसे डीप। उसके बाद ये वाला जो आपको कॉर्पस मिल रहा है ये, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रूफनीज एंडिंग, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ, रूफनीज एंडिंग, रूफनीज एंडिंग भी कह सकते हैं, या इसको हम रूफनीज कॉर्पिसल भी कह सकते हैं, दोनों ही नाम इसके जो है वो करेक्ट हैं। लाइक मैं इसको अगर रूफनीज एंडिंग कह लूँ या रूफनीज कॉर्पिसल, ये वर्ड इसके लिए यूज होता है, या इसी के लिए एक वर्ड जो है वो बल्बस कॉर्पिसल भी यूज होता है। अब देखें ये छोटे छोटे वर्ड हैं लेकिन आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब कुछ बुक्स के अंदर ये स्पेसिफिकली सारे रिसेप्टर्स की बात नहीं की हुई, लेकिन आपने इन तमाम रिसेप्टर्स का कम से कम एक एक दो दो लाइनें आपने इसके लिए याद रखनी। उसके बाद जो रिसेप्टर आ गए हैं वो ये वाले हैं, और नंबर 5 आपको यहाँ रिसेप्टर मिलेंगे, इनको हम कहते हैं क्रोस एंड बल्ब्स, क्रोस एंड बल्ब्स, या इसका एक नाम जो है वो बल्बॉइड कॉर्पिसल भी है, बल्बॉइड कॉर्पिसल्स। ओके, ये 5 तरह के नर्व एंडिंग या कॉर्पिसल आपकी स्किन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम एक एक को अगर बात करें कि हर एक का फंक्शन क्या है और वो क्या काम कर रहा है, तो आपने सिंपली वो याद रख लेना है। और यहाँ ये जो यहाँ पे लेबलिंग की हुई ये वाली, दिस इज एक्चुअली द नर्व, ये एक नर्व है जो कि डिफरेंट जो कॉर्पिसल है उसके अंदर एक्सटेंडेड फॉर्म है, कुछ कैप्सुलेटेड है कुछ अनकैप्सुलेटेड है, जैसे आप देखें सारे के सारे कैप्सुलेटेड है, लेकिन ये जो मर्कल्स डिस्क नजर आ रही है फ्री नर्व एंडिंग है, इसके बाहर ऐसा कोई कैप्सूल नहीं है। अब मिजनर्स कॉर्पिसल्स पे हम सबसे पहले आ जाएं कि मिजनर्स कॉर्पिसल्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। एक तो आपने याद रखना है कि ये पेपिलीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो कि रिजिस ऑफ द फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स, और स्पेसिफिकली
इस कॉर्पसल्स में जैसे मैंने कहा कि इनकैप्सुलेटेड है, और ये किसके लिए यूज होते हैं, दे और स्पेसिफिकली द टच रिसेप्टर, ये आपको टच रिसेप्टर मिलेंगे। तो ये आपने वर्ड इसमें याद रखना। अब उसके बाद फ्री नर्व एंडिंग की बात कर लें, या मर्कल्स डिस्क की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये भी स्पेसिफिकली जो फ्री नर्व एंडिंग है ये टच के लिए स्पेसिफिकली, और ये जो बेस ऑफ ईयर है वहां पर प्रेजेंट होती है, यानी यहाँ जो फ्री नर्व एंडिंग आपको मिलेगी यहाँ पर एक्चुअली हेयर की बेस हो, बेस ऑफ एयर प्रेजेंट होगी। अगर हम स्पेसिफिकली मर्कल डिस्क की बात करें हैं, तो ये भी फ्री नर्व एंडिंग जो कि बेसल एपिडर्मस के अंदर प्रेजेंट होती है, या आप कह सकते हैं कि हेयर फोलिकल्स के अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ अब मैं दोनों के लिए एक कॉमन चीज लिख दूं, ताकि अगर ये सवाल आ जाए कि बताएं कौन कौन से जो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट है एट द बेस ऑफ द हेयर या हेयर फोलिकल, तो आपने याद रखना है कि ये जो कॉर्पसल्स हैं या आप कह सकते हैं कि जो रिसेप्टर्स हैं ये हेयर फोलिकल्स में प्रेजेंट है, चाहे मर्कल डिस्क आ जाए या फ्री नर्व एंडिंग आ जाए, तो दोनों के लिए एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया, यानी अगर कोई इस तरह का एमसीक्यू जो है वो पूछा जा सकता है। और ये स्पेशली आपको टच के लिए जो है वो मिलेंगे, ये इनको हम मैकेनो रिसेप्टर कहते हैं, सम टाइम पोजिशन के लिए, ये डीप स्टैटिक टच होते हैं उनके लिए मर्कल डिस्क जो है वो काम कर रही होती है। उसके बाद आ जाते हैं जी रूफनिस एंडिंग पे। रूफनिस एंडिंग के बारे में अगर मैं आपको पॉइंट बताऊं कि जो पेपर के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं वो कौन कौन से, एक तो ये कि ये मैकेनो रिसेप्टर्स तो हैं ही, लेकिन स्पेसिफिकली ये स्ट्रेच के लिए यूज होते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये डीप लेयर के अंदर होते हैं ऑफ द स्किन, जैसे कि मैंने बताया कि ये एपिडर्मस से नीचे डर्मस के अंदर जो वो प्रेजेंट होते हैं। और इनमें एक सवाल जो पेपर में आ सकता है वो आपने याद रख लेना है कि इनमें स्लो अडेप्टेशन होते हैं, या मैं कह सकता हूँ कि दे आर द स्लो अडेप्टिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा रिसेप्टर है जिसमें स्लो अडेप्टिंग होती है, तो आपका जो आंसर होगा वो रूफनीज कॉर्पिसल्स या रूफनीज एंडिंग जो है वो आपको मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं जी पसीनियन कॉर्पिसल्स। पसीनियन कॉर्पिसल्स होते हैं ये भी डीप होते हैं, डीप इन स्किन। अब आपको डीप कौन कौन से, ये रूफनीज भी डीप मिल रहे हैं और जो है वो पसीनियन भी डीप मिल रहे हैं, लेकिन एपिडर्मस के अंदर अपर स्किन के अंदर अगर आ जाएंगे तो मिजनर्स कॉर्पिसल्स और मर्कल डिस्क होंगे, ये आपने याद रखना है। अब ये कौन कौन से रिसेप्टर्स के लिए प्रेजेंट होते हैं, ये आप देखेंगे कि डीप प्रेशर को डिटेक्ट करें, इसके अलावा वाइब्रेशन को जो है वो डिटेक्ट करें, वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए भी यही प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मोस्टली, इनकी लोकेशन क्या होती है, कौन सी वाली स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं मोस्टली, ये हमारी लिम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी जो टांगे वगैरह है, जॉइंट्स वगैरह है, वहां पर इनकी प्रेजेंस जो है वो ज्यादा होती है, तो ये पसीनियन कॉर्पसल्स के लिए आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं जी क्रॉस एंड बल्ब या बल्बॉइड कॉर्पसल्स। अब इसमें अगर पूछा जाए तो मोस्टली ये वाले जो रिसेप्टर्स हैं ये थर्मो रिसेप्टर होते हैं, देखिए इससे पहले स्किन के अंदर हमने जो थर्मो रिसेप्टर कोई भी डिस्कस नहीं किया, क्रॉस एंड बल्ब जो थर्मो रिसेप्टर है यानी कोल्ड के लिए, टेम्परेचर के लिए होते हैं। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ ज्यादा अबंडेंट है, इसके अलावा ये ज्यादा अबंडेंट जो होते हैं वो कंजक्टिवा ऑफ आई, यानी आई की जो कंजक्टिवा एक लेयर होती है अंदर, उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनकी प्रेजेंस जो हमें मिलेगी वो म्यूकस मेम्ब्रेन में होते हैं, कहाँ कहाँ पर, लिप्स में और टंग के अंदर यहाँ प्रेजेंट। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो पॉइंट यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि इनका सेक्सुअली जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, पीनस के अंदर भी ये प्रेजेंट है, इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्लाइटोरस के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से इनके लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, या ये आपसे पूछा जा सकता है कि जेनिटल कॉर्पसल्स कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे कि जो क्रोस एंड बल्ब्स हैं इनको जेनिटल कॉर्पसल्स भी कहते हैं। ये इसके अंदर आपको पांच के पांच जो रिसेप्टर्स हैं स्किन के अंदर वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए सवाल अब जब पूछा जाएगा विद रेफरेंस टू द स्किन के, स्किन के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन रिसेप्टर्स की वो कौन कौन सी, अब ये चीजें अगर आपको नहीं पता और वो पूछ लेता है, लाइक वो मर्कल डिस्क की पूछ लेता है, रूफनीज एंडिंग पूछ लेता है, वो जो है वो क्रॉस एंड बल्ब्स पूछ लेता है, तो अगर आपको इसका नहीं पता तो इसका मतलब है कि डेफिशिएंसी आपके एंड पे है। इवन अगर आपकी बुक में भी नहीं लिखा हुआ तो भी आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि उन्होंने आपको एक सिलेबस दिया होता है कि आपने ये सिलेबस तैयार करना है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये वाली बुक फॉलो करें, उनका सिलेबस आपका कवर होना चाहिए आपके लेवल तक के, जितना आपका लेवल है, और उसमें ये चीजें आपको लाजमी याद करनी है, और अगर आप इनको नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम। अब पिछले सेशन के अंदर मैंने जो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन सेशन में चीजें बताई और बहुत सी ऐसी चीजें बताई जो कि बुक में नहीं मेंशन की हुई थी, तो जिन स्टूडेंट्स ने तो उनको कर लिया वो तो उनका पेपर तो बहुत अच्छा हुआ, उनका मेरिट भी बन गया, और जिन लोगों ने उसको छोड़ दिया कि ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, हमारी बुक में नहीं है, या ये एक्स्ट्रा है हम इसको क्यों करें,
तो वो जब सवाल आ जाते हैं इस तरह के, तो फिर सादर पेपर में तो कुछ नहीं कर सकते सवाई पछताने के कि काश हम ये कर लेते हैं। तो जो चीजें मैं लेक्चर में आपको बताऊंगा वो लाजमी आपने करनी है, चाहे वो बुक में लिखी है या वो नहीं लिखी, और वो बहुत ज्यादा नहीं होंगी और बहुत डिटेल में नहीं होंगी। सिर्फ देखे ना, अब नाम है, दो तीन नाम अगर याद कर लें, तीन तो पहले आपके बुक में मेंशन है, दो नए हैं वो उसको ऐड कर लें वहां पर, उसका फंक्शन देख ले क्या है, अगर सवाल आ गया उससे रिलेटेड तो आपको कम अज कम आप जो है वो गलती नहीं होगी। ओके जी, यहाँ तक अगर कोई किसी के माइंड में क्वेश्चन है, मैं यहाँ आपका माइक जो है वो ओपन कर रहा हूँ, तो आप उसको ओपन करके पूछ सकते हैं। तो जो रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर जो है लाजमी करूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आगे आ जाने होते हैं लेक्चर के अंदर, तो साफ जरूर उनको फिर कोशिश करें कि वहीं आपको बता दूं। हाँ, एट द एंड जब फाइनली पूरा यूनिट कवर कर लेंगे उसके बाद फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो फिर जरूर उसको हम इंटरटेन करेंगे, लेकिन जो आने वाले लेक्चर्स के क्वेश्चन है वो मैं कोशिश करूंगा कि उसको वहीं पर डिस्कस करूंगा, अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगर किसी का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं।